इज इट ओके एवरीथिंग नाउ? वो बार बार ना डेस्कटॉप मैम। ओके रीस्टार्ट दिखा रहा था मीटिंग को. ओके हाउ आर यू ऑल? ऑल वेल? यस अभी आप लोगों का चल रहा है ना स्कूल? यू हैव नॉट स्टार्टेड विद द समर वेकेशंस ना टिल नाउ? यस मैम। नो मैम। मुझे आज जेई के बैच से पता लगा कि आप लोगों के वहां पे समर वेकेशंस अभी नहीं होती हैं. तो कैसे स्टार्ट होता है? मींस इट इज फ्रॉम द विच वीक? मैम फिर लेट्स सी द रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज, रेस्ट ऑफ द मेथड ऑफ प्रेपरेशन. सबसे पहले तो आप लोगों ने पढ़ लिया है मेथड ऑफ प्रेपरेशन फ्रॉम योर एल्कीन, और एल्कीन से जो तुम्हारा बनता है दैट इज थ्रू द मार्कोनिकॉफ रूल. ठीक है, अब नेक्स्ट हम कैसे बना सकते हैं? व्हाट आर द मेथड्स दैट वी कैन यूज? अच्छा, मैं थोड़ा सा अगर आपको मैकेनिज्म कराऊं तो विल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड? लेट्स चेक इट आउट. बहुत आसान है, जो तुमने लास्ट क्लास में किया उसका थोड़ा सा मैकेनिज्म करते हैं. दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन. हाइड्रेशन का मतलब होता है बेटे वाटर ऐड करना. मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन. आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु वर देयर इन द क्लास एट द स्टार्ट एंड हैव जस्ट लेफ्ट. डोंट वरी, यू कैन डू दिस. मैंने अभी आपको जो थोड़ा डिले किया है ना उसमें मैंने स्क्रीनशॉट ही लिए. अभी भी जो 49 से 48 जो स्टूडेंट गया है तो आई हैव चेक दैट. डोंट वरी अबाउट दैट. विल आस्क यू इन द नेक्स्ट क्लास. मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स. तो बच्चा जी फॉर द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म एज सच तो देखो पेपर में नहीं आता है, बट जो आपको रीजनिंग क्वेश्चन करना होता है ना उसके लिए मैकेनिज्म इज इम्पॉर्टेंट. जैसे देखो जो भी तुमने किया था वो एसिडिक मीडियम में किया था. पहले मैं रिएक्शन लिखती हूँ, कई बच्चों को रिएक्शन नहीं याद होगा. ये मैंने रिएक्शन किया था ना, जैसे एल्कीन लिया उसमें वाटर ऐड किया. व्हाट वाज द मीडियम? द मीडियम वाज एसिडिक इन नेचर एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल. ठीक है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल. एल्कोहल की फॉर्मेशन हुई थी जब हमने वाटर का एडिशन किया. तो सबसे पहले तो एसिडिक मीडियम लिया ना, तो लेट्स चेक इट आउट की देखो पहले रिएक्शन होता है उसके बाद मैकेनिज्म आता है. मैकेनिज्म इज ओनली टू अंडरस्टैंड कि प्रोडक्ट कैसे बना होगा. तो सबसे पहले तो हम एसिड बेस रिएक्शन करते हैं. किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म को स्टार्ट करने के लिए ऑलवेज रिमेम्बर द एसिड बेस रिएक्शन कम्स एट फर्स्ट. न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शंस सबसे पहले होते हैं. तो H2O लिया हमने, H2O में हमने क्या ऐड किया? H+ ऐड किया. ठीक है, तो ये क्या है बच्चा? ये था एसिड. ये क्या है आपका? ये क्या है? बेस. वाटर एम्फोटेरिक होता है. एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि ये एसिड और बेस दोनों तरीके से एक्ट कर सकता है. जब ये रिएक्शन होगा तो H3O+ बनेगा. इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन. ये पानी का ही आयन होता है. तो H+ लिख लो चाहे H3O+ लिख लो, इट इज अ वन एंड द सेम थिंग. उसके बाद फर्स्ट स्टेप होता है इसमें प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन. प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन का मतलब होता है H+ का अटैक बेटा. प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन. तो हमारे पास एल्कीन थी, ये देखो ऐसे है ना. मैंने इसका सिर्फ, चलो मैं लिख देती हूँ, बाकी के हाइड्रोजन भी लिखती है. अब इसमें तुमने क्या लिया? H3O+. H3O+ की स्ट्रक्चर बना लो. ये स्ट्रक्चर बन गई. अब इसमें हम क्या करेंगे जी बेटा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. तो जब ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो देखो कैसे होगा रिएक्शन. ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज. इसको मैं और शॉर्ट में कर देती हूँ, रुको. इससे भी अगर कंफ्यूजन होता है इसको और शॉर्ट कर देते हैं. अगर कभी भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए ना, वो हाईली अनस्टेबल होता है. कौन बताएगा ऐसा क्यों होता है? इफ देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन दैट इज हाईली अनस्टेबल. व्हाई इट इज सो बेटा? ऑक्सीजन ना पीरियोडिक टेबल का सेकंड नंबर का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. भूखड़ इंसान है भाई, बिल्कुल. ये इतना भूखड़ है कि ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ. तो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो H क्या हो जाएगा? H+ हो जाएगा, है ना. तो जब H+ हो जाएगा इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहाँ से कौन इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा? ये पाई बॉन्ड सप्लाई करेगा. तो बच्चा ये देखो वाटर तो न्यूट्रल बन गया तुम्हारा.
दिस इज अ वॉटर, रेस्ट बाकी क्या बच गया, ठीक है इसको भी तुम और सिंप्लीफाई कर सकते हो, लो मैं इसको भी और छोटा कर देती हूँ, फिर आप बिल्कुल आराम से कर सकोगे रिएक्शन। आप ऐसा कर सकते हो कि ये वाला पोर्शन नेगेटिव हो गया, ये वाला पोर्शन पॉजिटिव, फिर करा लेना नेगेटिव का पॉजिटिव से अटैक, तो फिर सी के साथ 2 एच लग जाएंगे, यहाँ पे सी के साथ 3 एच लग जाएंगे, तो ये वाला पोर्शन पॉजिटिव आ जाएगा। इसे बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये स्टेप किस किस बच्चे को समझ में आया, मैंने कैसे किया, मैं फिर से हाँ मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो हुआ क्या बेसिकली ना, हमारे पास था वाटर, वाटर था बेस H प्लस, तो इसने इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके अपने साथ जोड़ दिया और ऑक्सीजन पे प्लस आ गया। ये इसकी स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 4, 5 और एक पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आए तो वो छीन लेता है इलेक्ट्रॉन किससे, हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन बेचारा तुम्हारा क्या बन गया, H प्लस। तो इसने अपना पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव ने हाइड्रोजन को पकड़ लिया, तो नेगेटिव पॉजिटिव तो न्यूट्रल हो गए, पर इस वाले कार्बन के सिर्फ 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये आपका बन गया पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन हो गया और आपके पास ये इसको बोलते हैं बच्चा कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया। कार्बोकेटायन का मतलब है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। हाँ जी, तो पहले स्टेप में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप में सी के साथ ऐसे कार्बोकेटायन बनाया था ना हमने, 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे और यहाँ पे थे 3 हाइड्रोजन, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से किसका रोल आता है बच्चा, वाटर का रोल आता है। वाटर क्या करेगा, वाटर कहता है कि चलो मेरे पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तुम ले लो, तो वाटर इस पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। देखो H यहाँ से ऑक्सीजन ने अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए और 2 बच गए। देखो इस पे 2 पेयर थे ना, तो एक तो इसने इसको दे दिया बॉन्ड बनाने के लिए, और यहाँ पे कितने बॉन्ड आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और बाकी ये ऐसे ही है CH3। अब फिर से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो कौन बली देगा बताओ मुझे, H देगा। H ने बाहर अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ये जो स्टार्टिंग में लिया था वो लॉस हो गया, तो CH2 ये हो गया, इसके साथ OH लग गया, इसलिए बन गया प्रोडक्ट। जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो वाटर अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाटर से क्या करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए H+ बाहर निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन दोबारा से ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, तो ऑक्सीजन पे अपने इलेक्ट्रॉन वापस से आ गए, तो बन गया तुम्हारा एल्कोहल। अब इसमें एज इट इज कुछ खास नहीं आता है, इसमें बस क्वेश्चन ये आता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि रिएक्शन मैकेनिज्म में बनता क्या, जैसे इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन बन रहा है, ठीक है, तो वो कार्बोकेटायन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, इज दैट क्लियर। फिर से दिखा दूं एक बार स्लाइड, देख लो क्लियर है बेटा। यस सर, मैम एक बार रिपीट कर दो, पहला स्टेप के दोनों स्टेप, मैम सेकंड स्टेप, चलो शुरू से ही देख लो। पहले डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है तो एक साइड पे नेगेटिव आ जाता है, एक साइड पे पॉजिटिव आ जाता है। नेगेटिव क्यों आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो यहाँ पे जब H3O+ बन गया था ना, तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच के हाइड्रोजन को प्लस कर दिया, तो ये नेगेटिव H के साथ कंबाइन करके न्यूट्रल हो जाता है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वाटर के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर से ये बेस होगा और ये एसिडिक वाला सेंटर होगा, ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये न्यूक्लियोफाइल होगा, ये अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे दे देगा और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म कर देगा। तो ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उस पे फिर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है और बाहर निकल जाता है, तो एल्कोहल बन गया। क्लियर है? यस मैम, यस मैम। ये मैकेनिज्म है, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे क्या है रिएक्शन इंटरमीडिएट, वो कार्बोकेटायन है ना, प्रोटॉन का अटैक होता है, क्या है थोड़ा बहुत, वो एक बार मैकेनिज्म देखा हो तो हो जाता है। तो सेकंड मेथड है प्रेपरेशन का, प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। पहली बात तो याद रखना, ये वाले में होता है एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल यूज, AMR, है ना, AMR का मतलब हो गया एंटी मार्को
निकोव्स रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल ओबे होता है। ठीक है जी, अब उसके बाद इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, दिस इज प्रोपीन, है ना। इसमें बेटा हम लेते हैं डाइबोरेन, पहले मैं आपको रिएक्शन करके दिखा देती हूँ, बाद में इसका मैकेनिज्म समझाती हूँ कि क्या हुआ। देखो इसमें से ना आपके पास बन जाता है, जब आप डाइबोरेन ले लेते हो और लास्ट वाले स्टेप में आप इसमें ऐड करते हो हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो आपके पास ये अल्कोहल बन जाता है। अब इस रिएक्शन में देखो क्या होता है, ये जो तुम्हारा अल्कोहल बनता है ना, ये वाला बनता है। अब आप मुझे बताओ कि अगर ओ एच यहाँ पे जाता तो वो मार्कोनिकोफ रूल था, तो ये कौन सा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे टू नहीं बनता, यहाँ पे बनता है प्रोप एन वन और। अब हम देखते हैं, मैं शॉर्ट में कराऊंगी कि ये कैसे होता है। पहली बात तो इसमें जो बी टू एच सिक्स है ना, इसका नाम होता है डाइबोरेन। इलेवेंथ क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमने सीखा होगा कि डाइबोरेन की ये स्ट्रक्चर होगी, बनाना शेप। हाँ शाबाश। तो यहाँ पे बच्चा एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, तो एम्प्टी ऑर्बिटल होने के कारण यहाँ पे बनता है एक बनाना जैसा बॉन्ड। तो ये वाले में देखो इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ दो ही है ना, एक इसके पास एक इसके पास, जुड़ने वाले तीन है, तो इसको बोलते हैं 3C2E बॉन्ड। 3C2E मतलब तीन सेंटर दो इलेक्ट्रॉन, और ये एक वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये वीक बॉन्ड होता है तो ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो कभी भी B2H6 एक स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं होता। जब भी तुम्हारे पास पेपर में B2H6 लिखा हुआ आए ना, अपने आप से मान लिया करो कि वो 2BH3 में टूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें वीक बॉन्ड था। अब ये जो BH3 है ना, तुम इसको ऐसे लिख लेना और इसको ऐसे तोड़ना, ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, BH2 को कर देना प्लस और एच को कर देना नेगेटिव, तो एच नेगेटिव हो गया हाइड्राइड, और यहाँ पे होता है हाइड्राइड अटैक। अब करो क्वेश्चन, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, तो तुम ऐसे करोगे ना, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ से तुम्हें क्या मिला, एच नेगेटिव ना। हाँ जी बेटे, इससे तो एच नेगेटिव मिलेगा ना, तो ये एच नेगेटिव आया, यहाँ पे आ गया। अब कैसे अटैक कराओगे, देखो अब इसके, अच्छा मैं सारा ही लिख देती हूँ, देर इज अ बी एच प्लस और एच नेगेटिव, तो जो रिएक्शन होगा ना वो नेगेटिव यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, तो सी एच थ्री ये नेगेटिव यहाँ पे चला गया, तो ये हो गया सी एच टू, ये हो गया सी एच टू और ये हो गया बी एच टू, तो ये पहला प्रोडक्ट है। अच्छा मुझे बताओ पहला प्रोडक्ट समझ में आया या नहीं, क्योंकि पहला समझ में आएगा तब मैकेनिज्म आगे चलेगा। पहला क्लियर हुआ सभी को? यस मैम, यस मैम। अरे कुछ भी नहीं किया ना, बी टू एस सिक्स को तोड़ दो बी एच थ्री में, बी एच थ्री को बी एच टू प्लस और एच नेगेटिव लिख दो, तो जो एच नेगेटिव है वो यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ पे करेगा। अब ये जो बन गया ना, इसमें ये रिएक्शन है, एक बार फिर से होता है, ये तीन बार होता है, जितने भी बी में एच है ना उतने एल्कीन लगेंगे, तो फिर से एल्कीन लो सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, फिर से ऐसे करो, फिर से ये वाला लो, अब जो बनाया ना तुमने सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू, इसमें एक बी एच को प्लस कर दो और ये दोबारा से जैसे पहले किया था ना एच नेगेटिव कर दो, फिर से वही काम करो जो तुमने पहले किया। अब देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, एच इसके साथ तो एच लग जाएगा ना, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू, अब इस सी एच टू के साथ क्या लगेगा, ये वाला सारा बी एच, साथ में क्या है सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते इतना बड़ा लिखने की बजाय कि सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू को थ्री टाइम्स कर दे और साथ में क्या आ गया बी एच आ गया, तो थ्री टाइम नहीं सॉरी टू टाइम्स करते हो बी एच। बताओ सेकेंड स्टेप क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर अभी भी इसके पास एक एच बाकी है ना, फिर से करो ये रिएक्शन,
CH3 CH double bond CH2, बस इसमें CH3 CH2 CH2 ट्वाइस था, तो इसके साथ B डाल के प्लस डाल दो, रेज डाल के माइनस, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो ये नेगेटिव यहाँ पे और ये यहाँ पे, फिर से इस स्टेप को रिपीट कर दो, CH3 यहाँ पे CH2 लग जाएगा CH2, और यहाँ वाले CH2 पे लग जाएगा B CH2 CH2 CH3 ट्वाइस, अब दो बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, तो ये बन गया B CH2 CH2 CH3 तीन बार। तो ये जो लास्ट में बनाना तुम्हारा, चाहे जैसे मर्जी लिख लो इसको, चाहे ऐसे लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। इस वाले में डालो 3H2O2, देखो 3H2O2 कुछ भी नहीं है, ये 3H प्लस है, 3OH नेगेटिव, ऐसे पानी बनता है ना, तो यहाँ पे दोनों में OH OH आ जाएगा, यानी कि तीन बार OH नेगेटिव यहाँ पे है, तीन बार OH नेगेटिव यहाँ पे है ना, ऐसे छह है। अब तीन इसको दे दो, तीन इसको दे दो, तो थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 OH हो गया। तो ये CH3 CH2 CH2 OH आ गया और B के साथ OH3 आ गया, मतलब तीन OH B को लग गए और तीन OH इसको लग गए, तो ये तो तुम्हारा बन गया अल्कोहल। इतना बड़ा पेपर में नहीं करके दिखाना, पेपर में तो एक लाइन में कर देना बस। और यहाँ पे बन गया BOH3, BOH3 होता है H3BO3 और ये होता है बोरिक एसिड। मैं फिर से एक बार सारा रिपीट कर देती हूँ, आप देख, ठीक है। कह रहे तो B2H6 अनस्टेबल होता है, तो B2H6 में BH3 ट्वाइस हो गया, तो BH2 प्लस होता है और H नेगेटिव होता है, तो जब इस पे अटैक करवाओगे तो प्लस का माइनस से होगा, माइनस का प्लस से हो गया, ये बन गया। उसके बाद फिर से जब तक इसमें एक भी हाइड्रोजन पेंडिंग है ये रिएक्शन होता रहेगा, फिर से इसके BH2 को सेपरेट कर दिया, BH प्लस और H नेगेटिव, तो H इस पे चला गया और ये वाला जो है वो ट्वाइस हो जाता, तो इसको ट्वाइस लिख लिया, तो अभी भी इसमें एक H बाकी है, फिर से एल्कीन ले लो, फिर से दोबारा किया तो ये तीन बार हो गया, ठीक है। लास्ट में क्या किया, 3H2O2 इसमें डाले, तीन बार OH इसको दे दिए, तीन बार OH इसको दे दिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज द बोरिक एसिड और आपका बन गया अल्कोहल। पेपर में इतना बड़ा नहीं करके आना है, पेपर में सिर्फ इतना लिख के आना है कि CH3 CH double bond CH2, ये हमने तीन बार यूज किया और रिएक्शन में यूज किया B2S6। एक बार मैकेनिज्म देख लिया ना, बस समझ में आना चाहिए। तो H2O2 लगे तीन मॉलिक्यूल, तो आंसर आ गया CH3 CH2 CH2 OH प्लस H3BO3, बस एक लाइन का आंसर देना, बाकी सारा इंटरनली तुम्हारी अपनी नॉलेज के लिए। बताओ इज दैट क्लियर, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर हुआ भाई सबको? यस मैम। तो ये है सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। थर्ड मेथड बहुत आसान है। फ्रॉम द कार्बोनिल कंपाउंड्स, इसके लिए ना आई एम गोइंग टू टेल यू द वन लाइन, इसको आप लर्न कर लो, ये सारी ऑर्गेनिक में काम आएगी। जब तुम्हारे पास अल्कोहल होता है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इतने ही रहते हैं। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है बेटा, एसिड बनता है। अब इस रिएक्शन को बैक लेके जाओ, एसिड की अगर तुम रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड की अगर तुम रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल। समझ में आया कैसे चलता है? तो अब तुम्हें बनाना है एल्कोहल, तो आप दो काम कर सकते हो, या तो आप एल्डिहाइड ले लो पहले, एल्डिहाइड में हाइड्रोजन ऐड कर दो, और हमेशा रिडक्शन निकल प्लेटिनम पैलेडियम कुछ भी लिख लो, इसकी प्रेजेंस में होती है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा एल्कोहल। तुम्हें कार्बन तुमने पहले लिए थे उतने ही कार्बन रहेंगे, ना एसेंट ऑफ चेन होगा,
ना डिसेंट ऑफ चेन होगा। हाँ अगर तुमने ले लिया कीटोन, कीटोन में क्या होता है ना बेटे, कीटोन में आपका यहाँ पे तुम्हारा बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब होता है कि ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होगा, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, मतलब इसमें एच और एच ऐड कर दो दोनों में। ये शॉर्ट ट्रिक है, देखो इसमें एच और एच ओ एच ऐड करेंगे तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा, हाँ या ना? तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। मुझे कैसे पता ये 2 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बन के साथ लगा हुआ है फ्यूचर में। समझ में आई मेरी बात, मैंने कैसे किया है ये? अरे आई तो भी बताओ, नहीं आई तो भी बताओ, रिपीट कर दो। अच्छा चलो मैं इसको ना लिख के कर देती हूँ खोल के। ये लाइन तो आपको याद हुई अभी कि कैसे कैसे करते हैं। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन क्या देती है बोलो एक बार, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन क्या देती है? एसिड। इस रिएक्शन को बैक लेके जाओ तो रिडक्शन करना पड़ेगा ना, ऑक्सीडेशन से जो प्रोडक्ट आते हैं रिडक्शन से वापस से वही आ जाएंगे। एसिड की रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की करोगे तो अल्कोहल। तो देखो ऐसे किया है, मैं एक बार फिर से कर देती हूँ। ये एल्डिहाइड ये होता है, ये पता है तुम्हें कि ये एल्डिहाइड होता है? यस मैम। अच्छा फिर ठीक है, तो एल्डिहाइड में तुमने H2 डाला, ये भी पता है। प्लेटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो, निकल ले लो, तो तुम एक एच इसको दे दो, एक एच इसको दे दो। डबल बॉन्ड में हमेशा एडिशन होके वो सिंगल बॉन्ड बनता है, तो डबल बॉन्ड में एडिशन हो गए वो सिंगल बॉन्ड बन गया। अब सिंगल बॉन्ड बनेगा, इसमें भी एच आ जाएगा, इसमें भी एच आ जाएगा, इन दोनों एच को इकट्ठा कर दो तो RCH2OH बना के नहीं बना, बताओ? यस मैम। चलो फिर से प्रैक्टिस करो, फिर और आएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O और H ये है, इसमें तुमने हाइड्रोजन की एडिशन करी। करो अपने हाथ चलाओ जरा, पहले डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दो, क्योंकि डबल बॉन्ड में जब भी एडिशन होती है वो सिंगल बॉन्ड बनता है। तो H यहाँ पे लगा दो, H यहाँ पे, फिर इन दोनों H को इकट्ठा कर लो, CH3 CH2OH, दिस इज कॉल्ड एज अ एल्कोहल। ठीक है बेटे, अभी आया तुम्हें? यस मैम। चलो अभी सेकेंडरी देखो, इफ इट इज अ कीटोन इंस्टेड ऑफ एल्डिहाइड, ऐसे रिएक्शन किया, इसमें हाइड्रोजन डाला, निकल प्लेटिनम एंड पैलेडियम, तो जब हाइड्रोजन डालेंगे तो क्या सिखाया तुम्हें? डबल बॉन्ड को पहले सिंगल बॉन्ड कर दो, फिर इसमें भी एच लगा दो, इसमें भी एच लगा दो। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखो, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एंड CH3, इसमें तुमने हाइड्रोजन डाला, ये सब कुछ किया, क्या करोगे पहले? इसमें भी एच लगा दिया, इसमें भी एच लगा दिया, तो ये कौन सा अल्कोहल फॉर्म हो गया? कौन सा अल्कोहल बन गया बेटे? क्या कह रहे हो? मुझे कैसे पता ये सेकेंडरी है? जिस कार्बन पे ओ एच लगा है वो आगे दो के साथ अटैच है। अब समझ में आ गई ये बात? यस मैम। तो प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे एल्डिहाइड से और सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे कीटोन से। उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो कार्बोनिल कंपाउंड है ना, उसमें भी तो यही है ना। अब ये आ गया RC डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें ना मेटल नहीं डालना तुम, है ना, इसमें तुम डालना रिड्यूसिंग एजेंट। और आज के बाद तुम्हारी सारी क्लास ये लर्न भी कर लेगी कि हमारे फेमस फेमस रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं। रिड्यूसिंग एजेंट में है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को ना शॉर्ट में लाह बोलते हैं, LAH। एल मतलब लिथियम, ए मतलब एल्युमिनियम, एच मतलब हाइड्राइड। काम ये वही करेगा बेटा, ये भी वही करेगा, भर भर के हाइड्रोजन ऐड करके अल्कोहल बना देगा। फॉर एग्जाम्पल इसकी रिएक्शन देखो, CH3COOH है, इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किया तो क्या बन जाएगा? CH3CH2OH। ठीक है, रिएक्शन कैसे हुआ होगा?
रिएक्शन ऐसे हुआ होगा, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच था ना, तो आपको क्या करना था, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना था और हाइड्रोजन ऐड करना था। तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, है ना, तो यहाँ पे भी एच आ गया, यहाँ पे भी एच आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है ना बेटा, एक एच और आके वाटर रिमूव हो जाता है, प्लस आ जाता है, फिर एच आ जाता है। तो आप शॉर्ट में यही याद रखो कि तुम्हारा पास सब जगह हाइड्रोजन आएगा, एक जगह ओ एच आएगा, ठीक है। इसके तो मैकेनिज्म भी करने की जरूरत नहीं है, जब भी एसिड होगा तो आपका अल्कोहल बन जाएगा। याद रखोगे रिएजन बच्चा? यस। चलो इसके साथ तुम्हारा सेकंड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन भी कंप्लीट है, कि एसिड से एल्डिहाइड और कीटोन्स, इनको कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं, उनसे कैसे बनेगा। उसके बाद तुमने कर लिया था ऊपर किससे बनेगा, उससे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से कैसे बनेगा, फिर एल्कीन से कैसे बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कैसे होगा, मैं एक रिएक्शन करके बताऊंगी, ठीक है, बाकी तुम अपनी कॉपी पे करना, क्योंकि अगर तुम खुद नहीं करोगे तो तुम्हें नहीं आएगा। सबसे पहले हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड, ध्यान से देखो, है ना, मैं एक करूंगी बाकी तुम दो तुम करना। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है एच सी डबल बॉन्ड ओवर एच, दिस इज कॉल्ड एज अ मिथेनल, मिथेनल या इसको तुम क्या बोलते हो, फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें लेते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है CH3MgBr, दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब इस रिएक्शन को कैसे करना है, जब भी तुम कार्बोनिल ग्रुप देखोगे तो ये नेगेटिव होगा, ये प्लस होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन से, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्लस माइनस हो जाता है। और यहाँ पे ये बात याद रखोगे कि मैग्नीशियम प्लस होता है और मिथाइल माइनस होता है, ठीक है, क्योंकि मेटल हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है और कार्बन उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। बाकी काम बहुत आसान है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो एच ऐसे ही रहने दो, सी ओ के साथ क्या लग गया तुम्हारा, एम जी बी आर, ये वाला एच को नीचे खिसका के लिख दो, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, सी एच थ्री। तो ये वाला जो रिएक्शन है ना ग्रिगनार्ड रिएजेंट का, ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है। उसके बाद तुम इसमें पानी डाल दो, H प्लस ओ एच नेगेटिव, तो O के साथ इतना बड़ा मैग्नीशियम स्टेबल नहीं है, इस कार्बन के साथ ये दो हाइड्रोजन कंबाइन कर दो, सी एच टू कर दो इसको, O के साथ H आ जाएगा क्योंकि ये सारा ग्रुप बाहर निकल जाएगा, सी एच थ्री और एम जी के साथ बी आर लगा हुआ था और ओ एच लग जाएगा। तो ये तुम्हारा ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो ये तुम्हारा बन गया प्राइमरी अल्कोहल। तो इससे तुम्हें ये बात समझ में आई कि जब हम ग्रिगनार रिएजन की एडिशन करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड में तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को ना तुम अपने हाथों से अपनी कॉपी पे लिखो, क्योंकि इसके साथ के रिएक्शन तुम खुद अपने हाथों से करोगे। नोट डाउन दिस, सारी क्लासेस को नोट डाउन करो, फिर सेकेंड रिएक्शन में तुमसे करवाती हूँ, क्योंकि अगर तुमने नोट डाउन नहीं किया होगा तुम्हें फिर इस स्लाइड के खोल के करना पड़ेगा, फिर हम शिफ्ट नहीं कर पाएंगे ना। और जब हमने नोट डाउन कर लिया लेट मी नो। मैम डन। चलो ठीक है, चलो अब मैंने ना तुम्हें दे दिया एसीटैल्डिहाइड, पहले फॉर्मेल्डिहाइड दिया था, इसका नाम है एसीटैल्डिहाइड या इसका आईयूपैक नेम है इथेनल। इसमें ग्रिगनार रिएजेंट ऐड करो, CH3 की जगह कुछ और लगा देते हैं, चलो C2H5MgBr, और रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। चलो करो ये रिएक्शन, खुद करो जैसे पहला रिएक्शन, एवरीवन जो तुमने अभी कॉपी पे नोट किया उसे देख के करो सारे स्टेप।
Yes, anybody has done or not? Yes, ma'am. क्या बना बेटे? CH3CHOHC2H5. Very good. कौन सा alcohol है? मैम secondary. Secondary alcohol. Very good, very good. दो तीन बच्चों का मेरे पास आंसर आया है. जिनका आंसर आया वेल डन, वेरी गुड. जिनका नहीं हुआ है फिर से देखो, ये नेगेटिव, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस. तनिष्का ठीक है बेटे, जब इसका रिएक्शन करोगे कैसे सिखाया तुम्हें, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो दिस इज अ सी एच थ्री सी, ओ नेगेटिव था, इसके साथ लगा दो एम जी भी है, एच को इसके नीचे करके लिख दो और साथ में लगा दो C2H5 को तुम ओपन करके भी लिख सकते हो. अब ये तो अनस्टेबल है, तो फिर H प्लस और OH नेगेटिव का रिएक्शन करोगे तो CH3CHO के साथ H लग जाएगा. C2H5 को ना मैंने ओपन करके लिख लिया और साथ में Mg के साथ क्या लग जाएगा, OBr. अब ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है, 2 degree. तो ये क्या बन जाएगा, 2 degree अल्कोहल बन जाएगा. ठीक है जी, रिविका महाजन ठीक है बेटा, थोड़ा सा लिखने में वहां पे मुश्किल होता है बाकी ठीक है. तो इसका मतलब है कि तुम अगर नहीं लेते हो फॉर्मेल्डिहाइड तो तुम्हारा 2 degree आता है. चलो एक और बड़ा कर लेते हैं फिर देखते हैं. मैम रिविका, हाँ जी हाँ जी, रिविका ऋत्विका, सॉरी एक्चुअली ना इतनी ज्यादा स्क्रीन पे लाइट है, आई कांट लर्न इट प्रॉपरली. ऋत्विका, ओके ऋत्विका. अब मैंने चेंज कर दिया CH3CH2C OH. अब मैंने और बड़ा एल्डिहाइड दे दिया और अब दे दिया इसे. अब करके बताओ, जिन बच्चों का पिछला नहीं हुआ फिर से ट्राई करो. चलो इसके बाद मैं एक इन्फ्रेंस लिख पाऊंगी कि किससे क्या बनता है. करो फिर से, डन बेटे? क्या प्रोडक्ट है? सबसे पहले ऐसे किया होगा, ये बन जाएगा CH3CH2C के साथ लगा दो H को, O के साथ MgBr आ जाएगा और यहाँ पे CH3 आ जाएगा. फिर H plus और OH negative, तो CH3CH2CH OH और CH3, then is a MgOH Br. कौन सा alcohol बन गया तुम्हारा? Alcohol. सेकेंडरी. तो इससे तुम्हारे पास क्या इन्फ्रेंस निकला कि जो HCHO है उसमें जब तुमने क्या डाला, ग्रिगनार रिएजेंट और हाइड्रोलिसिस, तब आपके पास बनता है 1 degree अल्कोहल. उसके अलावा एनी अदर एल्डिहाइड, आप कोई भी दूसरा एल्डिहाइड लिया उसमें तुम ये सब डालते हो तो कौन सा अल्कोहल बनता है,
सेकेंडरी एल्डिहाइड अल्कोहल. अब इसका मतलब है कि फिर टर्शरी कैसे बनेगा. टर्शरी के लिए तुम ये लेके देखो. अब ये मैंने क्या लिया है, ये मैंने लिया है कीटोन. इसका नाम क्या है, प्रोपेनॉल. इसमें करोगे नार रिएजेंट ऐड CH3MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर एंड H प्लस एंड OH नेगेटिव. अब करके बताओ क्या बनता है. डू ऑन द सेम ग्राउंड के. इसका भी क्या बनेगा, CH3CO. अच्छा पहले H लगाएंगे. OMgBr ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया. उसके बाद H प्लस एंड OH नेगेटिव. दिस इज CH3 OH CH3. तो ये कौन सा अल्कोहल बन गया, तो यानी कि तुम लोगों को क्या है, जब आपके पास हो फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड से बने प्लीज बी ऑन म्यूट. और जो आपका सेकेंडरी है वो बनेगा कोई भी और एल्डिहाइड ले लेना. और अगर तुम्हें टर्शरी बनाना है तो कोई भी कीटोन. तो इसका स्टार पॉइंट क्या हो गया, एनी कीटोन विल गिव द 3 degree अल्कोहल. और एक बात इसमें याद रखना, विद द सूटेबल चॉइस ऑफ दिस आप कर सकते हो. यहाँ पे जो तुम्हें चाहिए वो कर सकते हो. तो ये थे मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल. अब हमें साथ साथ पढ़ लेने हैं फिनॉल के भी, ताकि हमें याद रह जाए इकट्ठे. नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल्स. फिनॉल का मेथड ऑफ प्रेपरेशन में सबसे पहला है फ्रॉम हेलोएरीन्स. हेलोएरीन का मतलब है एरोमेटिक कंपाउंड. इसके ऊपर बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है ये हेलोजन. इसमें हमने NaOH का एडिशन किया, NaOH का एडिशन किया 623 केल्विन में और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में. ये याद रखना, आप सोचो ना कि 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 623 केल्विन, ये लैब में तो हो नहीं सकता. हम 298 केल्विन पे होते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो 623 केल्विन तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है. तो ये लैब में एक्वायर नहीं हो सकता, ये इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रेपरेशन है. ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन. तो जब रिएक्शन होता है ना बेटे, तो ये रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट देना पड़ता है पहले, तो तब कहीं जाके आपका एक्स हटेगा
और उसकी जगह पे क्या आएगा, मैं लास्ट चैप्टर में आपको कराया था ना हेलोएल्केन में कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है इसके साथ, बताया था ना बेटे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंजुगेशन होता है जिसके कारण सी और एक्स का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, तुझे जल्दी से नहीं जाता है, इसको ज्यादा हीट करना पड़ता है, तो पहले तो बनता है ओ और एन ए, उसके बाद आप इसकी एसिडिफिकेशन कर दो मतलब एच सी एल लगा दो इसमें, तो एन ए सी एल बाहर निकल जाएगा क्योंकि ओ के साथ एन ए इतना स्टेबल नहीं होता जितना ओ के साथ एच स्टेबल होता है, तो यहाँ पे क्या बन गया तुम्हारा ओ एच बन गया, तो दिस इज कॉल्ड एज अ फिनॉल and this is called as a sodium phenoxide ion. Sodium phenoxide ion. तो ये पहला method है. Second है from benzene sulfonic acid. From the benzene sulfonic acid के लिए पहले benzene sulfonic acid बनाना पड़ेगा, ये benzene में तुम H2S2O7 डाल सकते हो, इसे oleum कहते हैं या disulfuric acid भी कहते हैं, तो बेटा इसका सिर्फ इतना सा काम है कि इससे आ जाता है benzene पे ग्रुप SO3 है, जब ये बहुत बड़ा ग्रुप है कार्बन के साथ स्टेबल नहीं है तो NaOH से जब रिएक्शन करते हैं ना H प्लस की प्रेजेंस में तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, मतलब यहाँ पे O के साथ लग जाता है H, ठीक है, यहाँ पे बन जाता है फिनॉल, क्लियर है? यस मैम। थर्ड मेथड है फ्रॉम द डाइजोनियम सॉल्ट, ये थोड़े से देखो एक स्टेप में तो तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे, जब आगे आगे चैप्टर्स में बार बार पढ़ोगे ना फिर आराम से याद रह जाते हैं रिएजेंट देख के। डाइजोनियम सॉल्ट क्या, इसका मैकेनिज्म कराऊंगी पर आज नहीं है, नेक्स्ट क्लास में, एक क्लास में एक या दो मैकेनिज्म ही कराऊंगी जिससे तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, पहले रिएक्शन देख लो, वैसे भी पहले रिएक्शन ही होता है। बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ है, इसे बोलते हैं एनिलीन, और इसमें NaNO2 डलता है सोडियम नाइट्राइड और HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, तो जब ये रिएक्शन होता है ना यहाँ पे आ जाता है N2 प्लस और Cl नेगेटिव, इसे बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसके बाद इसमें वाटर की प्रेजेंस में इसको वार्म किया जाता है, और जब वाटर की प्रेजेंस में इसको वार्म करते हैं तो यहाँ पे बन जाता है OH, इतना बड़ा ग्रुप सरवाइव नहीं कर पाता, और नाइट्रोजन गैस और HCl गैस ये बाहर चली जाती है, ठीक है, तो ये आपके पास बन गया, दिस इज अ कंपाउंड विच इज नोन एज फिनॉल, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Fourth reaction hai from cumene. Cumene se kaise banta hai? Cumene hoti hai isopropyl benzene. Isopropyl group laga do iske saath. Isopropyl hota na jab secondary wale carbon se attach hota hai. This is called as a isopropyl benzene. Common में इसका नाम है cumene. जब हम इसकी oxidation करते हैं तो जो carbon benzene के साथ है उस वाले carbon पे oxygen add होता है, ये वाला oxygen ऐसे add हो जाता है, उसके बाद सभी बच्चों को पता है कि OO एक weak linkage होती है तो ये ब्रेक हो जाती है, तो जब ब्रेक हो जाती है ना तो एक फ्री रेडिकल यहाँ पे बनता है, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे बनता है, तो अब क्या होता है ना बेटे, इस वाले फ्री रेडिकल पे फिनाइल ग्रुप मूव कर जाता है, और फिनाइल ग्रुप को मूव करवाने के लिए तुम्हें एक याद रखना है माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, अगर ये वाला ओ एच बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा ना तो ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगी, देखो कैसे ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप उठ के इसके साथ चला जाता है तो ओ एच बन जाएगा और बाकी इससे आपस में डबल बॉन्ड आ जाता है, इसमें
CH3, C डबल बॉन्ड हो CH3, ये बन जाता है एसीटोन। अब ये यहाँ पे क्यों गया, क्योंकि अगर ये यहाँ पे फ्री बनेगा ना तो इसके साथ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, इसलिए ये बनता है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ मेथड फ्रॉम क्यूमीन। तो इसके साथ आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट है। एक बार मैं ना फिर से तुम्हें दिखा देती हूँ कि कैसे बन रहे हैं। देखो ये तो तुम्हें आ गया, ग्रिग्नार्जियन वाला यही दिखा देती हूँ, फिनॉल वाले। सबसे पहले हेलोएल्केन वाला, हेलोएल्केन में NaOH डालोगे तो बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, क्योंकि ये इसके साथ स्टेबल हो जाता है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन से। पहले ONa लगता है, फिर उसके बाद OH लगता है। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में SO3H लगता है और फिर हीट करे पे ये OH आ जाता है। डाइजोनियम सॉल्ट में पहले VDC बनता है, फिर फिनॉल बनता है, और लास्ट वाले में ये वहां पे जाता है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाती है, फिर उसके बाद एसीटोन बन जाता है। दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्लियर है बेटा? यस मैम। यस मैम। चलो मैम, इससे पिछली वाली Yes, ma'am. Write the product of following. ट्राई दीज रिएक्शंस बेटा, पता लगेगा कि कैसे समझ में आए प्रिपरेशन या नहीं। ट्राई देम।
हाँ जी डन डन एवरीवन। नो फर्स्ट वाले रिएक्शन का प्रोडक्ट बताओ। सीएच पॉजिटिव सीएच पॉजिटिव तो नहीं बोलना है ना हमें, तो लास्ट वाला प्रोडक्ट बोलना है वो तो आपको करना है। CH3, CH3। बिल्कुल सही। नेगेटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, पॉजिटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है। इस पे लग रहा है मार्कोनिकोफ रूल, ये होगा इसका प्रोडक्ट। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, दिस इज द प्रोप प्रोपेन है ना। Propane to all. Okay, next come. Next का बताओ। जिस तरह से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इस तरह से सोडियम बोरॉन हाइड्राइड भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सोडियम बोरॉन हाइड्राइड इसका नाम है एंड दिस इज द वन ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, तो ये सिर्फ जैसे आपको पढ़ाया था कि कीटोन को कन्वर्ट करता है, ये है कीटोन ग्रुप है ना, समझ में आ रहा होगा। और ये है एस्टर ग्रुप, तो आपको अभी तो सिखाया कि कीटोन को कन्वर्ट करेगा एल्कोहल में, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करो और दोनों जगह एच लगाओ, तो यहाँ भी एक एच लग जाएगा, यहाँ पे भी एक एच लग जाएगा। तो ये वाला एच को दिखाते कि दिखाने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड भी होता है कि यहाँ पे लग गया, और ये वाले में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये एस्टर एज इट इज रहेगा और ये वाला कंपाउंड जो है वो ये बन जाएगा, तो ये ऐसे आएगा बेसिकली। नेक्स्ट थर्ड वाला बताओ, इसमें अच्छा आएगा ना, वैलेंसी पूरे नहीं, थर्ड वाला तो हो जाना चाहिए था ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट है बस इसी का ही तो अल्कोहल बनाओगे। CH3, CH2, CH, CH बस इसका अल्कोहल बना दो, CH2OH जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट है वो अल्कोहल ही तो बनाते हैं, तो इसका अल्कोहल बन जाएगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो नोट करो सभी, डन yes. चलो डू दीज टू रिएक्शंस बेटा, देखो इनके क्या प्रोडक्ट बनते हैं क्विकली। आता है तुम्हें ये रिएक्शन?
हाँ जी डन। डन बेटा, इतना टाइम। यस मैम। फर्स्ट वाले का आंसर बताओ। CH3CHOHCH3। चलो देखते हैं तुम्हारा प्रोडक्ट सही है कि नहीं। ये फॉर्मेल्डिहाइड था, रिनार रिएजेंट को पीछे लिख लूंगा। इसको प्लस ले लोगे, इसको माइनस ले लोगे। नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओ के साथ लग गया MgBr। ये प्लस है, इसके साथ ये वाला कार्बन जुड़ेगा, CH और CH3 ऐसे लगेंगे। उसके बाद इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दो CH2। जब वाटर डालोगे तो ये OH हो जाएगा, CH CH CH3 और CH3। ये है, ये तो शायद तुमने नहीं बोला। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इधर से शुरू कर दो, राइट हैंड साइड वाले पोर्शन से CH3 CH CH3 CH। अच्छा एक कार्बन मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया। ये कार्बन एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। ये बोला है बेटे? यस मैम। ये आंसर आया है, वो ठीक है। चलिए अगर ये डन है तो नेक्स्ट को देखते हैं। देखो इसके साथ MgBr भी लगेगा और ये पूरा ऐसा रिंग भी लगेगा। अच्छा सच रिंग तो इधर आ, पहले ही स्टेप में सेपरेट कर दो। ये रिंग इसके साथ चला जाएगा ना, फिर उसके बाद ऐसा किस किस ने बनाया था? बना है किसी का ये प्रोडक्ट बेटे? ओके गुड। ये है, इसको ऐसे भी लिख सकते, ठीक है जी। तो जितने रिएक्शन आपको करवाए हैं उनके क्वेश्चन, उनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, अदरवाइज आएगा नहीं। रिएक्शन काफी हो गए, मैं कुछ आपको क्वेश्चंस देती हूँ इसके, क्योंकि जब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना कंपैरिजन में, और भी होती हैं ऑप्शन, तो फिर आपके पास अच्छे से आ जाता है, कंपैरिजन से समझ आ जाता है। पहला क्वेश्चन,
Yes, what is the correct answer? I am going to start a poll and you have to answer there. Start doing. इस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज अगर एन प्रोफाइल अल्कोहल होगा ना तो ऐसा होगा, और इसकी अगर तुम ऑक्सीडेशन करोगे, मैं तीनों के रिएक्शन कर देती हूँ फिर आप छांटना, अगर तुम इसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एसिड। यस और नो? अल्कोहल की ऑक्सीडेशन एसिड देती है, पर अगर तुम ये वाला अल्कोहल लोगे एन प्रोपाइल था, ये आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल वाले अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे K2Cr2O7 की प्रेजेंस में तो ये आपको कीटोन देगा। यहाँ पे एसिड नहीं बनता तो ये आएगा, ठीक है। PCl5 तो दोनों को रिएक्ट कर देगा, PCl5 में भी प्रोडक्ट अलग अलग आएंगे, पर तुम्हें देखने में नहीं ना पता लगेगा, है तो दोनों ही मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रखेंगे। ओके, वाई और जेड बताओ क्या होंगे, व्हाट आर द वाई एंड जेड, सोच समझ के बताओ। पहला रिएक्शन किसको आता है भाई, HBr के साथ ना उसने H2O2 डाला हुआ, और H2O2 क्या होता है, परऑक्साइड होता है, तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा। तो पहला तो ये चेक हो रहा है EMR बच्चों को आता है या नहीं आता, तो ये बनेगा प्रोडक्ट पहला, ये वाई है, उसके बाद C2H5ONa, Na प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस कंबाइन करा दो, CH3CH2CH2CH2OC2H5 और NaBr बाहर चला जाएगा, तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया क्या, ईथर। तो इज द क्लियर, तो यहाँ पे प्रोडक्ट एक तो ईथर बनेगा और ये तुम्हारा सेट है, क्लियर है बेटा? यस मैम। ना भी आप लोगों ने आज पढ़ा उसको रिवाइज करो, तभी आपके पास रिएक्शन बनेगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने कंप्लीट कर ली है, नेक्स्ट क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। चलो बेटा, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। थैंक यू मैम।